आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में। ओवरऑल बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज इस स्टॉक में हमने देखा। रिसेंट का न्यूज हुंडई के साथ इसने कोलैबोरेट किया था इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। उसके बाद हमने देखा कि टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन देखा 7 मेगावाट पावर सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट को लेकर के पुणे के अंदर। ओवरऑल रिजल्ट भी बेहतर रहे, न्यूज भी काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है। आरएसआई अराउंड 40 के आसपास का है और टोटली ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है और वो कंसोलिडेशन 218 से लेकर के 235 के बीच का है। अगेन इस स्टॉक में देखेंगे तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है और ये स्टॉक 227 के आसपास पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो 220-22 के स्टॉप लॉस को लगा करके 238-240 के प्राइस के लिए बाइंग कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको एवरेज करना है या फिर फ्रेश बाइंग लेना है तो श्योरली इस स्टॉक में 244 के ऊपर के क्लोजिंग पर ही ले। तब तक के लिए ये स्टॉक टोटली कंसोलिडेशन में है, वो कंसोलिडेशन अराउंड 218-220 से लेकर के 240-242 के बीच का प्राइस रह सकता है। ओवरऑल इस स्टॉक में डिलीवरी देखें तो कंटिन्यूअस डिलीवरी अराउंड 30% की बाइंग जाती दिख रही है। गवर्नमेंट को भी हमने देखा कि टैरिफ प्लान के प्राइस को हाई करने के लिए भी अग्रीड है, जिसको लेकर के बंबई हाईकोर्ट में भी टाटा पावर गई है। सभी ब्रेकिंग न्यूज पॉजिटिव ही है। उसके बाद टेक्निकली ये स्टॉक स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो जब तक इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट 242-244 के ऊपर के क्लोजिंग पे नहीं दिखेगा तब तक एक स्ट्रांग मोमेंटम इस स्टॉक में बिल्कुल नहीं दिखने वाला है।